वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्राय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम औवाशाली कल्याणकामी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों कर लो अपने मन को एकाग्र। ये प्रसंग जो अपने इष्ट देव महाराज जी ने चला रखे हैं बहुत बहुत कल्याणकारी है हम सबके लिए। बारहवें अध्याय के भक्ति योग के बताए गए दिव्य गुणों का वर्णन भगवान ने हमें बार बार सुनाए और हम अनेक बार सुन के अपना ले। ये प्रसंग अगणित बार सुनने योग्य है मेरी देवियों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, अनेक बार, ताकि हमारा मन उन गुणों में लग जाए, उन गुणों को ले ले, क्योंकि इसके बाद ही हमारे इष्ट देव कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा। हम भी इस जन्म में भगवान के प्यारे बन के, जहान के प्यारे नहीं, जहान के प्यारे बन के देख लिया, मिट्टी पलीत होती है, जीवन निरर्थक चला जाता है, क्योंकि जहान के प्यारे बनने से अखीर में होता क्या है, आवागमन। जहान से बढ़कर देखो मैं क्या, मेरे से क्या बुलवाया जा रहा है, जहान से बढ़कर इस जहान में, जहान से बढ़कर इस जहान में कोई बेवफा नहीं, बेवफा कृतघ्न लट्टू होके इंसान मरता है, इसके ऊपर सारी जिंदगी, सारा सुख, सारा जोबन इसके ऊपर लुटा देता है, लेकिन ये फिर भी उसका नहीं बनता। इतनी कुर्बानी करने पर भी जहान जिसका न बने उसको हम कृतघ्न न कहेंगे तो और उपयुक्त शब्द नहीं कि हम अपने आंतरिक भावों को प्रकट करें। अब तो मेरे से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय आपने करना होगा कि अवशेष जीवन, जितनी आयु अवशेष या रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ, पूर्ण रूपे इन भगवान के नाम पर, भगवान के उपदेश के अनुसार लगा देना, और इसमें पूरा यकीन जानना है कि भगवान से बढ़कर वफादार तो कोई हो नहीं सकता, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, यूं कहना भगवान से बढ़कर वफादार, भगवान से बढ़कर मित्र, भगवान से बढ़कर हमारे हितैषी नहीं, थप्पड़ लगाऊं, परम हितैषी, कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, भगवान हमारे परम हितैषी है, मां बाप हमारे हितैषी शक्ति हैं, गुरुदेव भी हमारे हितैषी शक्ति हैं, लेकिन भगवान के लिए ये शब्द विशेष रखा गया है, परम हितैषी। जैसे जन्म देने वाले को हम पिता बोलते हैं, लेकिन सृष्टि के बनाने वाले को हम परम पिता के नाम से पुकारते हैं। आज बड़ी एक निराली मेरे मन में एक घटना घटी। स्वाध्याय के पश्चात जो मैंने शास्त्र को मेज पे रखा, सुन के आप हैरान होंगे, पर मैं तो कभी आपसे छुपाता ही नहीं, जो मेरे अंदर बीतती है मैं सब बताया जा रहा हूं, जो बीतती वही बताया जा रहा हूं। अचानक दादियों में याद आ गई, पिताजी की मां बहुत अच्छी थी, उनसे भी मुझे भक्ति भाव, भगवान के प्रति प्रेम अच्छा मिला है। खैर पिताजी से तो बहुत ही ज्यादा मिला, पर दादी अम्मा से भी अच्छा मिला, उन्होंने भी मेरी भक्ति बढ़ाने में बहुत तो नहीं पर कुछ साथ दिया, क्योंकि दादी अम्मा में मोह ज्यादा था, भगवान के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा तो नहीं पर था जरूर, जिनका रंग हमारे पर भी चढ़ा। दादी अम्मा का घर उसी गली में था जिस गली में पिताजी का था, पहले वो आता था बाद में पिताजी का घर, जैसे ये गली है तो पहले दादी जी का आएगा, फिर और घर आएंगे, फिर आगे पिताजी का आएगा। ये दोपहर की जो घटना मैं आज सुनाने जा रहा हूं ये शायद आठवीं क्लास की बात है, सन 42 की या 41 की,
दोपहर की बहार में जब स्कूल से पढ़कर आए तो लगभग ये रोज का स्वभाव था, जैसे पिताजी ने पट्टी पढ़ाई हुई थी, दादाजी और दादी जी के चरणों में प्रणाम करके आना है और पूछते थे मिलायो, नहीं तो घर से वापस आना पड़ता बिरंग लिफाफे की तरह कि जाओ पहले आशीर्वाद लेके आओ। उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ बहुत काम कर गया, तो स्वभाव बना लिया। तो एक दिन की बात, दादी जी बड़ी चलाक थी, कुंडा तो नहीं पर अरगल जिसे आप ललितपुर में हुड़का बोलते थे, हुड़का लगा के रखती थी चाहे कुत्ते बिल्ले अंदर ना आए, बड़ी होशियार। उस दिन उसने हुड़का भी नहीं, यानी अरगल बोलूंगा अपने राष्ट्रभाषा का शब्द, अरगल नहीं लगाया तो दोनों दरवाजे आपस में बस मिले हुए थे, टचिंग ईच अदर। मैं अपने स्वभाव अनुसार आया लेकिन दादी अम्मा आंगन में नहीं बैठी थी, अंदर के पहले कमरे में बैठी थी। उन दिनों कमले मकान बनते थे, कमले यमले कमरे, फिर कमरे में कमरा, दोपहर के 12 बजे भी आपको लैंप जलाना पड़े, कमरे में कमरा, कोई रोशनदार नहीं, कोई भड़वा देखना नहीं, अंदर में अंदर पड़ा हुआ क्या होता है, लकड़ियां पड़ी होती है, उन दिनों धान की तो कमी होती थी, पर फिर भी कमरे में कमरा, मी आगे कमरा, वो पहले कमरे में बैठी है। और जो मैं आप सुनाने जा रहा हूं वो दादी अम्मा मस्ती से गा रही है, अच्छी दादी अम्मा के सुर थी और भक्ति भरे वैराग भरे गीत गाया करती थी। मेरे भाग अच्छे जो मेरा एक पैर पीछे और एक पैर आगे रहा कि मैं अपनी दादी को डिस्टर्ब ना करूं, क्योंकि इन भावों ने मुझे खींच लिया, जो दिल से गाया जाता है पत्थर दिलों को भी तो पिघला देता है। तो शायद दादी जब मां आंगन में नहीं गा रही थी भी उसकी आवाज आसपास न जाए, अंदर घुस के इंद्रियों तो शो किया जाता है ना, भक्ति भाव माला लटका, पर दादी अम्मा उनमें नहीं थी। बहुत कुछ मैंने उनसे लिया, आज तो मैं उन्हीं के गीत से शुरू कर रहा हूं। हो सकता है आपका भी प्रेम भाव बढ़े, क्योंकि मेरा खूब बढ़ा। फिर मैंने दादी जी से कुछ याद भी किया, घर से रोटी खाने के बाद शाम को आते थे, सोने से पहले भी पिताजी की आज्ञा थी कि दादी अम्मा को और दादाजी को प्रणाम करके फिर आके सोया करो, ऐसे ही करते थे। फिर दादी से कुछ याद किया, आज दिमाग पे कुछ जोर दिया कि मैंने क्या सुना था, मेरे दिमाग ने 3-4 कलियां तो पकड़ ली, कुछ कलियां मैंने आपके लिए साथ जोड़ दी है आपके प्रसंग के अनुसार। पहली कुछ कलियां दादी अम्मा की जो मैंने सुनी थी, आज गाता रहा हूं दोपहर के बाद में, आप भी इंजॉय करो और उसके बाद हम लोग जो अगला प्रसंग है वो लेंगे। ये जो दिमाग पर जोर लगाया और दादी अम्मा की बात याद आई, गीत याद आया, वैराग भरा गीत, आज मैं चाहता हूं आप भी लाभ उठाए और मैं भी दादी अम्मा के चरणों में हार्दिक प्रणाम करूं, या वो मुझे याद कर रही होंगी या मैं उनको याद कर रहा हूं, भगवान जाने। आओ, क्या मैंने सुना 1942 में जबकि मैं छोटा सा बालक ही था 8वीं क्लास में, सुना होगा क्योंकि ये गीत वहां ललितपुर तरफ बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत गाया जाता था, खासकर मुसलमान तो बहुत गाते थे। तो सुनिए, मैंने अचानक दोनों पैर आगे पीछे रख के बड़ी हैरानगी से अपनी दादी अम्मा से क्या सुना, आप भी लाभ उठाएं, एकाग्र हो जाइए, फिर अगला प्रसंग लेंगे। निजिंद मेरी निजिंद मेरी मिट्टी दी देरिए, निजिंद मेरी मिट्टी दी देरिए, निखाक नल निखाक नल रल जाएंगी, निखाक नल मिल जाएंगी, जिंद मेरी निजिंद मेरी मिट्टी दी देरिए,
नी जिंद मेरी है मिट्टी दी जरी है नी खाक नल निखाक नाल मिल जाएंगी निखाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरी है ओ ओ आटे दाल विच उमर लुटाई नी आटे दाल विच उमर लुटाई धौलिया दीवारी आई धौलिया सफेद बाल नी आटे दाल विच उमर गवाई नी आटे दाल विच उमर गवाई धौलिया दीवारी आई नी दौलिया दीवारी आई जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए नी जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए निखाक नाल मिल जाएंगी निखाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरी है ओ आटे दाल विच उमर गवाई नी आटे दाल विच उमर गवाई दौलिया दीवारी आई नी दौलिया दीवारी आई जिंद मेरी है जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए खाक नाल मिल जाएंगी निकाक नाल मिल जाएंगी। ये कुछ मैंने अपनी ओर से आपके लिए जोड़ा। निचल सुनिए कृष्ण दीवानी निचल सुनिए कृष्ण दीवानी बिगड़ी बन जानी जिंद मेरी है जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए नी जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए खाक नाल मिल जाएंगी नी खाक नाल मिल जाएंगी। जो सुनिया वो अपनाना नी जो सुनिया वो अपनाना सौ सच रब दी तेनू नी सौ सच रब दी तेनू जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है नी जिंद मेरी है मिट्टी दी डेरिए नी खाक नाल मिल जाएंगी नी खाक नाल मिल जाएंगी जिंद मेरी है। अपने प्रसंग की ओर लौट आए। भगवान जी की विशेष कृपा के फल स्वरूप मेरी देवियों मेरे सजनों हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। महाराज जी द्वारा बताए गए ये 33 या 35 है आप गिन लेना दिव्य गुण और देवताओं में भी ये 33 मुख्य देवता माने जाते हैं। शायद उन्हीं एक एक देवता के सामने एक एक गुण रखा गया है। प्रसंग अनुसार प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। कल हमने सुना था आप जैसे नेक जीव आप जैसे बड़भागी मेरे सज्जन पुरुष मेरे धार्मिक भाई अद्वेष्टा सर्वभूताना भगवान द्वारा बनाए गए सारे प्राणियों के साथ
द्वेष भाव नहीं रखते, उनके अंदर प्रेम की भावना आ जाती है आपके पुरुषार्थ से नहीं, हे भगवती आपकी आंतरिक मेहनत से नहीं, बल्कि आपके शुभ संस्कारों को देखकर भगवान की प्रेरणा से। ये गुण भगवान की प्रेरणा से ही आएंगे, जरूर भगवान जी हमें शक्ति देंगे और हम पुरुषार्थ करते हुए उनके दिखाई देंगे, लेकिन जिन गुणों का प्रकाश हम देखने जा रहे हैं, जिन गुणों को हम दोबारा कानों से श्रवण करने जा रहे हैं, सब भगवान की प्रेरणा से ही आएंगे, प्रभु की विशेष कृपा से ही हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। सुना हमने, अपनी शक्ति से ना कहना मेरे वश की बात है, मैं सारों के साथ प्यार नहीं, मेरे वश की बात तो नहीं, पर जो मेरे इष्ट देव हैं जिन्होंने इतना दिव्य वातावरण हम सबके उन्नति के लिए तैयार किया है, उनके वश की बात तो है ना, वो तो कर दिखाएंगे ना अवश्य। चले आगे, जब प्राणी भगवान द्वारा बनाए गए सब के प्रति, अब सब के प्रति हमने कोई मिलना जुलना है, 84 लाख योनियां हमारा कोई उनके साथ मिलाप हुआ था या हो रहा है या भविष्य में होगा, नहीं तो फिर भगवान का सर्वभूता नाम कहने का अभिप्राय मानसिक रूप में आंतरिक रूप से हमने द्वेष किसी के प्रति नहीं रखना। संपर्क तो हमारा बहुत थोड़ों के साथ होगा, देवी भगवती बहुत थोड़े के साथ हमारा संपर्क होगा, उठना बैठना लेना देना अब तो और भी थोड़ा हो जाएगा, जो जो आपको अंदर से मेरे भगवान की दिव्य रस देंगे वो रस अपनी ओर खींचेगा, और संसार के झूठे रस से मन तो पहले ही उपराम हो रहा है, वो झूठा रस इसलिए था कि दिन ब दिन घटता गया, भगवान का दिव्य रस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हिन्दुस्तानी कवि ने क्या कमाल का भाव प्रकट किया, ये कि दिव्य रस बढ़ता रहता है उत्तरो उत्तर डे बाई डे, और जो संसार के रस हैं वो दिन ब दिन घटते जाते हैं। कितना अच्छा उन्हें सुनाया, ये नशा वो नहीं, वाह, ये नशा वो नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, तुर्शी होते खटियाई, शराबी अगर बहुत अनशंट बोल रहा है आपके से बाहर जा रहा है तो एक दो साल के जो अचार पड़ा हुआ है दो चार डालो उसके मुंह के अंदर, बस नशा टूट जाएगा। किसी शराबी का आजमा के देख लेना, किसी शराबी का नशा तोड़वाना दे और वो बहुत बकबक कर रहा है तो उसको एक दो डलियां पुराने आचार की खिला दो, नशा नहीं टिक सकता, क्योंकि तुलसी जो खटियाई है वो नशे को तोड़ देती, उसकी दुश्मन है। अब वो क्या कहते हैं, ये नशा वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये जो भगवान का नशा है ये किसी की ताकत नहीं है कि इसे उतार दे या कम कर दे, नहीं। आहा, उधर पातशाही भी आप लोगों की पीठ ठोक रही है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, मतलब 24 घंटे, ये नहीं कि दिन सूर्य चढ़ने से पहले और अस्त होने तक बस उतर जाएगी, ना वो प्रेम ही नहीं है, प्रेम तो बढ़ता रहता है, हाँ मुंह में उतार चढ़ाव होता है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, पर जो दिव्य प्रेम है वो बढ़ेगा क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है और भगवान की दिव्य शक्ति उसके साथ है। आगे बढ़े, अब दूसरा गुण, एक एक गुण की तरफ ध्यान देते रहना और भगवान से प्रार्थना करना कि जिनके साथ मेरा मेल मिलाप है, अनेकों के साथ तो हो ही नहीं सकता, दिन पर दिन कम हो जाएगा मेल मिलाप, क्योंकि दिव्य रस आपको मेरे भगवान देते जाएंगे उधर से घटता जाएगा, वो कम होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, ठीक। दूसरा गुण, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मन में लाइए, जो मेरे प्रभु ने बनाए या जिनके साथ मेरा और आपका संपर्क होना है, कोई द्वेष की भावना मन में नहीं आएगी, भले ही वो हमारे साथ मिसबिहेव करें दुर्व्यवहार करें करते रहे, लेकिन हमारे पर इतनी कृपा हो जाती है मेरे प्रभु की कि नहीं। एक ने अपने सिर पे रुमाल रखा हुआ था, 12:30 बजे का टाइम था तो कड़कती धूप थी, एक के पास रुमाल उंगल को ना दोनों हाथों को यूं करा करके चल रहा था धूप न लग जाए, पर जिसके पास छाता है उसको न रुमाल की जरूरत है और न किसी दोनों हथेलियों के हाथ पे रखने की जरूरत है, छाता उसने ताना हुआ है अपने ऊपर, सच कह रहा हूं व्यास नदी बैठा हूं, भगवान की कृपा का छाता हम सबके ऊपर है, हमें नाज है सदा ये नाज बना रहेगा, बड़ी कृपा हो रही है हमारे पर, उनकी कृपा न होती
घोर कलयुग में ग्रस्त आश्रम में रहते हुए आप सन्यासी नहीं, वनवासी नहीं, बड़े वैरागी भी नहीं है, फिर भी मेरे प्रभु हर सुबह हर शाम लगातार अंबाला के स्कूल बंद हो सकती हैं, कॉलेज बंद हो सकती हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हो सकती हैं, देख लो आपका स्कूल खुला, हर रोज आपके लिए मंडे गए, हर रोज आपके लिए ट्यूसडे गए, और संडे को हमारे यहां और भी ज्यादा श्रोतागण होती हैं रुचि लेने वाले। और बात भी ठीक है, इस इश्क के मकतब का क्या अच्छा भारती कवि कहता है, निराला ही वतीरा देखा, इस दिव्य प्रेम का कहते मैंने निराला ही वतीरा देखा, निराला स्वभाव देखा है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। स्कूल में सबक याद करो छुट्टी, बस्ता दबाओ बगल में और पट्टी लो छुट्टी हो गई, मास्टर जी यही कहा करते अपना सबक सुना दो चलो घर। लेकिन इसमें जितना ज्यादा हम भगवान के प्रेम दिखाएंगे और इनके अनुसार जीवन बनाएंगे उसको छुट्टी ना मिली, वो तो उल्टा चिपक गया भगवान जी के साथ। इस इश्क के मकतब मैंने प्रेम के मकतब होता पाठशाला, इस प्रेम की पाठशाला का निराला ही वतीरा देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ना भाई ना, वो तो और भी ज्यादा भगवान के साथ लग जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जिनके साथ मेरी कल्याणकामी देवी और सज्जनों आपका संपर्क बने जी, अपने भले वो पूरा व्यवहार करे कर ले, क्योंकि आप पर भगवान की कृपा है, आपका कोई बुरा कर नहीं सकता, याद रखिए आप पर विशेष कृपा है, कृपा का छाता आप पर ना होता, मेरे भगवान आपको सत्संग ना देते, अच्छा पति भी दे देते, पत्नी भी देते, बच्चे भी देते, सब कुछ दे देते, लेकिन सत्संग तो मिलता उन्हीं क्यों गए जिन्होंने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए। जब बड़े पुण्य इकट्ठे होती हैं तब भगवान की दो रूप में कृपा होती है, जब बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं तो भगवान दो रूप में कृपा करती हैं, एक रूप में तो वो अपना सत्संग दे देती है, एक दूसरे रूप में क्या होती है, अरे बोलो, भगवान जी की दो रूप में कृपा, एक तो वो अपना सत्संग, ये तो खासकर अपना गीता जी का सत्संग है, दूसरी क्या कृपा होती है, बुद्धि प्रदान करते हैं दसवें अध्याय के अनुसार, विवेक की नहीं बेटी बुद्धि, तो सामान्य बुद्धि, खाने पीने बच्चे बनाने की बुद्धि बोलते हैं सामान्य बुद्धि, बेटे सामान्य बुद्धि ये होगी विशेष बुद्धि, ये जो आपको विशेष बुद्धि दी है वो सामान्य खाने पीने वाली, कमा लिया खा लिया बच्चे बना लिया मर गया, ये जो परलोक बनाने वाली परमार्थ बनाने वाली ये भगवान की दूसरी कृपा भी आप पर, दोनों कृपा होगी। गीता जी का सत्संग ये तो भगवान जी का अपना सत्संग, भगवान जी का अपना सत्संग, शाबाश 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 शाबाश, कितना आदर दिया है गीता को भगवान जी ने, गीता की महिमा गाते हुए क्या कहा जी, राधा तो मेरी सह धर्मनी है, मेरे धर्म के साथ रहने वाली, सहगामनी है मेरे साथ चलने वाली, जैसे सह यात्री होती है, आप और पति देव आप दोनों इकट्ठे यात्रा कर रही हैं तो सह यात्री हो गए दोनों, उर्दू वाले बोलेंगे हमराही, तो हम उर्दू में बोले तो कहेंगे भगवान क्या कह रही है, राधा तो मेरी हमराही गए मेरे साथ चलने वाली, पर गीता तो मेरा हृदय गए, कितनी महिमा गई, गीता तो मेरा हृदय गए, गीता के ज्ञान से मैं त्रिलोकी को चला रहा हूं, इससे बढ़ के क्या महिमा गाई जा, गीता के ज्ञान से मैं त्रिलोकी को चला रहा हूं, बड़ी महिमा गीता गाई प्रभु ने, बड़ी महिमा है भी, इससे भी ज्यादा महिमा गाते तो भी थोड़ा था जितना लाभ हम उठा रहे हैं, राधा से भी आगे निकल गए। तो ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, कोई कुछ भी कहता रहे पर आपका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु की विशेष दया है आप पर। अब जब कोई बुरा भी करे तो भी हमारे मन में द्वेष की फीलिंग नहीं आएगी, तो मन में दिव्य प्रेम आ जाएगा, दिव्य प्रेम, ये जो हमारे माँ जी पिता बहन भाई इनके जो हमारे खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, इनके साथ प्रेम नहीं कह सकते तो क्या स्वार्थ है, तो जहां स्वार्थ हो वह मोह होता है। मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप एकाग्र होते रहना, आप एकाग्र रहना, मोह और प्रेम में क्या अंतर है, अगर प्रेम स्वार्थ के साथ है तो वो मोह हो गया, अच्छा अगर प्रेम प्रेम की खातिर है तो वो प्रेम बन गया, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, शाबाश 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 शाबाश। किसी पहुंचे हुए महापुरुष से किसी ने पूछा,
प्रेमी का स्वभाव क्या होता है, ये अनुभवियों की बातें हमेशा याद रखना आपके बड़े काम आएगी। भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो कहते हैं मेरे साथ चल। अच्छा, खजाने में चलती हम, ये दृष्टांत याद रखना देवियों, चलो खजाने में चलती हैं। तो उन दिनों ये चांदी के रुपए होते थे, मेरी बेटी आपने जरूर देखे होंगे चांदी के रुपए, तो ढेर लगा पड़ा था रुपयों का, बहुत बड़ा ढेर। तो जिसने प्रश्न किया था उससे पूछा, तेरे पास कोई चांदी के रुपए हैं? तीन है, निकाल। और जो वो इतना बड़ा ढेर लगा इसमें गिरा दे। वाह, मुझे कोई देगा ही नहीं, तो तुम्हें जवाब तो दूंगा। तूने पूछा है भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है, तो तू मिला उससे तीन रुपए निकाल ले। और उसे उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया, आपकी को रुपए सरके हुए थे, हमने परे कर दी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी वाले के तीन रुपए और अपनी तरफ से डाले, क्या हमने वो परे उसमें ढेर में डाल दिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक किया। तो तीन रुपए आखिर अब वापस आ जा, कि अब तो फिर कुछ मेरे से प्रेमी का भगवान के भक्त का स्वभाव क्या होता है। भगवान है एक बहुत बड़ा प्रेम का ढेर, और भगत अपने छोटे से प्रेम को उसमें मिला देता। ओए 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 ओए, और वो भगवान का रूप बन जाता है, रब्बी रूप। छोटे से अपने प्रेम को भगवान के इतने बड़े प्रेम के ढेर में मिला देता, उसे भगत कहते हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत। जैसे तूने तीन रुपए इतने लंबे चौड़े ढेर में मिला दिए चांदी के रुपयों में, और वो तीन उसी में मिल गए, एक में हो गए। हाँ, इस तरह जो थोड़ा बहुत प्रेम हम जाप करके, गीता जी सुन के, प्रातःकाल उठ के भगवान को याद करती हैं, गुण याद करती हैं, तो जो कुछ थोड़ा सा बहुत प्रेम आता है वो भगवान को समर्पण कर दे। भगत का ये स्वभाव है कि जो प्रेम बटोरता है वो तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पी है। ये जैसे आप कर रहे हैं, प्रेम में रखना नहीं होता, प्रेम में कुर्बानी होती है। मुंह में दोनों तरफ आपने मुंह किया, जिनके साथ किया उन्होंने आपका भी भला किया, आपने उनका किया स्वार्थ। दुनिया का जितना भी कारोबार है स्वार्थ से चल रहा है, और मैं आपका हितैषी हूं, प्रभु आपको शारीरिक और आर्थिक यानी धन के रूप से इतनी सहायता दें कि आप अधिक का अधिकतम मेजोरिटी का स्वार्थ पूरा कर सके, सेहत आपकी बनी रहे और लक्ष्मी भगवती भी आपके मां बन के आपके पास रहे, ताकि बेटी जब मांगती है या उसके मन में स्वार्थ है आप बढ़ के पूरा करें, पुत्र का, पुत्र की बहू का या और आसपास वालों के स्वार्थ पूरा कर सके, इतनी भगवान आपको क्षमता प्रदान करे। ये मोह है। अब जो बात आगे कर रही है, दूसरा गुण क्या, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, वो सबका मित्र होता है, क्योंकि उसमें दिव्य प्रेम है। स्वार्थ रहित मोह, स्वार्थ रहित अटैचमेंट विदाउट स्वार्थ, अटैचमेंट विदाउट सेल्फिश मोटिव इज इक्वल टू प्योर लव। मेरे समझाने की कदर करना, जिस मोह में अपना निजी स्वार्थ ना हो, और मेरे पास और कोई शब्द नहीं, जिस मोह में निजी स्वार्थ ना हो उसे शुद्ध प्रेम कहती है, और जिस प्रेम में निजी स्वार्थ हो उसे मोह कहती है। तो आपका सारा मोह ही मोह है, अटैचमेंट है, जिससे गृहस्थाश्रम चला रहे हो, गली मोहल्ले वाले आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उनके काम आते हैं, वो आपके काम आती हैं, शाबाश। लेकिन एक मैं कहूंगा, आप भगवान के प्यारे गए, अपने स्थान पर टिके रहना, बेशक करो उनके साथ, उनकी स्वार्थ पूरी करो, अपने मन को गिरा के नहीं, उनके स्तर पे आके नहीं, उनके लेवल पे आके नहीं, जैसे अपने चबूतरे पे खड़े होकर के आवाज मारना, चाची चाची हाँ तू पतीला मांग रही थी ना, ये पतीला और कड़छी ले ले, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, अपने थड़े पर खड़े होकर कहिए, चाची ये कड़छी ले ले, उनके घर में जाके नहीं, अर्थात अपने स्तर में, अपने स्टैंडर्ड में रहना, उनके स्टैंडर्ड में उतर के उनके साथ व्यवहार नहीं करना, फिर क्या हो जाए, गंदी वृत्तियां हमारे से जाएगी नहीं,
अगर हम अपने स्टैंडर्ड में रहेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। और ये जो गुणों जिनकी चर्चा भगवान जी मेरे द्वारा चलवा रहे गए, मेरे अहोभाग्य, तो वो गुण हमारे में प्रवेश करते जाएंगे, वो गुण हमारे में और प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम उनके योग्य बन जाएंगे। शाबाश। मेरे कहने का मतलब, चाचा चाचा बना रहा है, भतीजा नहीं। अगर चाचा भतीजा बन गया तो लख लानत। चाचे को भतीजा नहीं बनना चाहिए, चाचा चाचा बना रहा है, भतीजा भतीजा बना रहा है। आपका सतार नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। चाचा तो नीचे गिर गया, अगर भतीजा बन गया तो ना, चाचा अपनी जगह, भतीजा अपनी जगह। इसी तरह आपके गुण अपनी जगह आपका स्तर बना रहे, उनके स्तर नीचे गए। तो अपने में खड़े होकर के सेवा करते रहिए, अपने मन को गिरा कि नहीं। अपनी तो भी स्वार्थ रह जाएगा। दृष्टांत देते हुए महापुरुष कहती हैं, जैसे किसी बर्तन में आपने 6-7 महीने सरसों का तेल रखा, जितनी मर्जी मांझ लो तेल की गंध जरूर आती रहेगी। जितना मर्जी आप तेल लगा लो, पूरी ट्राई योर बेस्ट, लेकिन तेल की गंध आएगी, खासकर सरसों के तेल की गंध नहीं जा सकती। इसी प्रकार संसारी आदमी जो भगवान का प्यारा नहीं है, उससे स्वार्थ चाहे कितने छोड़ दे पर कुछ रहेगा, जब तक कि वो दिव्यता की ओर बढ़ता नहीं या भगवान का दिव्य प्रेम को रखता नहीं। तो मित्र कौन? अब भगवान कहते दूसरा, जो सारों का मित्र है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा। तो पहले ही द्वेष में निकल गया, समझने की चेष्टा करना, मेरी देवी एकाग्र रहना सज्जनों। उसके बाद दिव्य प्रेम आ गया, अब उसका व्यवहार कैसे होगा? क्लियर देखिए, वो संसार में कैसा व्यवहार करेगा? सबका मित्र होगा, सबका मित्र। व्यास जी के चरणों में मैं और आप प्रणाम करें, सिर झुका के दोनों हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम, बारंबार शब्द देखो, हमारे शब्द कितने अच्छे हैं। संस्कृत भाषा चूंकि सब दुनिया में सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, इसमें किसी को मिर्चे पटे मातमाती को नहीं। सबसे पहली भाषा, सबसे पहले वेद हुए, वेदों की भाषा संस्कृत। और संस्कृत अपने आप में मांझी हुई भाषा है। मांझी मैंने बिल्कुल, संस्कृत का मतलब ये होता है मांझी हुई, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड जो है डिवाइन लैंग्वेज। अब संस्कृत बिल्कुल, उसमें ये शब्द, उसके एक एक शब्द का बड़ा भारी अर्थ है। अब यही लो, मित्र के अलग कर दो, मां की छोटी के बात अलग, थोड़ी सी हिंदी भी अगर आप जानते हैं तो त्रा को अलग कर दो, उर्दू में मीम अलग करके त्रे जो लिखोगे त्र त्र और रे यू देख के उसको अलग कर दो, मैं त्र त्र अलग करो, आप मां भी छोटी की मात्रा और डैश देख के त्र अलग, जिसमें ये त्र को बोलती है तीन। वाह वाह व्यास जी, वाह वाह महर्षि वेद व्यास जी, वाह। जिसमें तीन ममार हो, ममार मा मा मा, दुनिया में कौन बुरी तरह फंस जाता है जिसमें तीन ककार हो, क क क कंचन कामनी कीर्ति है, इन तीनों को एकदम चौथा ककार कौन मारता है? ध्यान देने में बताता हूं, इन तीनों को जिसे आपने तीनों को मार देना है, तो चौथा ककार होता है भगवान का कीर्तन या भगवान का भजन। कीर्तन बच्चे, जो भगवान की ओर मन लग गया उसके तीनों ककार मर गए, कंचन कामनी और कीर्ति को चौथा ककार मारेगा। अब मित्र कौन जिसमें ये मां 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 तीन त्रय मैंने तीन मां मैंने मां मां ममार, जिसमें तीन मां हो वो मित्र है। ध्यान देना, ध्यान देना मेरी देवियों, जिसमें तीन, जिसमें दोनों का कंचन कामनी कीर्ति, जिसमें तीन है दुनिया परपंची होगा, वो पूरी तरह संसार में उलझा फंसा होगा, इर्द गिर्द देख रहे हो। अब मित्र कौन जिसमें तीन मां होंगे? आज इस शब्द का बड़ा दुरुपयोग किया गया, मैं क्लियर करता हूं, मेरे प्रभु मुझे दिव्य शक्ति और प्रदान करें। जिनमें ये महाराज जी फरमाती हैं, जिनमें ये तीन मां, मैंने तीन उंगली उठाई, एक मां दो मां तीन मां, जिनमें मां 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 तीन मां हो, उसको मित्र कहा जाएगा, और किसी को नहीं कह सकते। है लो पहला मधुर भावना, पहला मां है मधुर मिठी भावना, जिसकी कड़वी भावना ना हो, जिसकी मिठी भावना हो। यही हम बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे हैं, क्या नियत सिर मुराद, जिसकी भावना अच्छी है,
हमें क्या मिलेगा भावना के अनुसार मिलेगा। मैंने कई बार कहा हमारा वैदिक धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान है। जिसकी भावना पवित्र है, जिसकी भावना उज्ज्वल है, जिसकी भावना बड़ी अच्छी है, यानी साउंड फीलिंग, समझे बेटे, साउंड नॉट अनसाउंड बट अ हेल्दी फीलिंग, हेल्दी फीलिंग नॉट अनहेल्दी फीलिंग, समझना ये राज की बात है। अपने हिंदू धर्म को समझो, अपने वैदिक धर्म जो ऋषियों ने घोर तप करके इंसान के कल्याण के लिए प्रकट किया उसको समझ लो। फिर हम दिन रात लगे हुए अपनाने में, जिसकी मधुर भावना है कटु भावना नहीं, मधुर का विपरीत अर्थ है कटु, कटु भावना नहीं मधुर भावना। अच्छा ये पहला मां, अच्छा बाबा आगे बोलो, ये अंतःकरण का गुण है, मन का गुण है, मधुर भावना, आगे बोलो, आगे दूसरा मां मधुर व्यवहार, वाह वाह व्यास जी वाह, व्यवहार आखिर आपको व्यवहार करेगा मां के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, गली मोहल्ले वाले के साथ, अपने जो मिलने जुलने वालों के साथ, या मां की ओर से रिश्ते आएंगे, बाप की ओर से रिश्ते आएंगे, गली मोहल्ले वाले मिलेंगे उनके साथ व्यवहार बड़ा मधुर है। हेल्दी डीलिंग, डीलिंग वाह, जिसकी डीलिंग बड़ी हेल्दी है, स्वीट डीलिंग कहिए, मैं हेल्दी भी ना कहूं स्वीट कहूं, स्वीट डीलिंग, मधुर व्यवहार, ये बाहर निकल आया, मधुर भावना होती है भीतर अंतःकरण में। अब इसकी सुगंधि बाहर आए, जिसके साथ हम वाह पड़े, काम पड़े, वो बड़ा मीठा हो, आप व्यवहार करके चले जाएं, लेकिन वो आपके गुण गाता रहे, वो आपको शुभ भावना देती रह जाए, आप निकल जाए जो व्यवहार किया, इतना मीठा व्यवहार करें, इतनी डीलिंग आपकी अच्छी हो कि बस वो गुण ही गाए, उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़े और वो आपकी नकल करे, इसे बोलते हैं मधुर व्यवहार, मधुर व्यवहार। वैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, हा राह पे जानिए, ये राह जो बलदेव नगर को जा रहा है कैसा गए, चल के देख ले, तबड़ खबड़ है, ये सीधा है, ये कैसी है, यू प्लीज वो योर सेल्फ, ऐसे नहीं पता लगे कि कोई लाख आपको बताता रहे ऐसे ऐसे, नो, राह पे जानिए और फला कैसी है, वाह पे जानिए, वाह वारे सियानो, वो कैसी है, कभी वाह पढ़े, कभी वास्ता पढ़े, फिर पता लगे वेयर यू एंड वेयर ही जेंटलमैन स्टैंड्स, ऐसे नहीं अनुमान से नहीं पता लगता, राह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और किसी व्यक्ति का भी अनुमान से कहे कि मैं इमेजिन कर लूं, ये सपोज कर लूं, इंटायरली ब्लंडर, वाह पे जानिए, आगे मैं क्या बोलूं, राह पे दीजिए, पहले राह पे जानिए फिर वाह पे जानिए, तो कोई व्यक्ति कैसी है, कभी वाह पड़े तब जाना जाए, कोई कैसी है कभी, ये तो भगवान की बख्शिश है, हिंदुस्तान में जो आपकी शादियां हो जाती हैं, मानो अंधेरे में कोई पत्थर मार देता हो, लग गया था लग गया, नहीं लगा था तेरे मस्तक से लगेगा, मां बाप आपको दे देती हैं, आगे वाह पे राम करे कोई चंगा निकले, है ये जुआ है, जैसे किसी ने जुआ खेल लिया हो, आ गया तो हजार रुपया साथ आएगा, वरना अपना भी हजार रुपया गया, दाव पे लगाती ना हजार रुपया लगा दिया, हाँ अगर जीत गया तो हजार रुपया और आएगा, नहीं तो सारा गया, तो आप तो जुए में रखी जाती हो, आगे आपके भाग अच्छे, कैसे वो जड़े का पुत्र निकलता है, ये क्या कदर करता है कि नहीं, मैंने कहा अंधेरे में पत्थर मारने वाली बात है, इसलिए मां कभी रोक के कहती है, मां दिए मैं क्या करूं, मां जनेंदी सत पुत्र पर कर्म न देंदी वन, करें क्या मां बाप, अपनी तरफ से बहुत देखती है पर आया घेरे में पत्थर, तो वाह। मैंने कहा मित्र कौन, जिसकी मधुर भावना है, अच्छा जी बाहर निकल आओ, जिसका मधुर व्यवहार है, तीसरी मधुर कोई बता सकते हैं क्या, एक ही रहेगी अगर बुद्धि थोड़ी सी भी रगड़ो तो फौरन जवाब मिलेगा आपको, जिसकी मधुर वाणी है, ओ मेरे रब्बा ओ मेरे रब्बा ओ मेरे रब्बा, जिसकी बेटी मधुर वाणी है, व्यवहार तो अच्छा है लेकिन जबान से ना कब ऐसे गंदे शब्द बोल देता है, फिर वो मधुर व्यवहार के ऊपर लकीर खेती है, उसकी वाणी भी मधुर, स्वीट टैंग, एक बात ऐसी कह गया है वो बेवकूफ बन करके, क्या जो कहनी नहीं चाहिए थी, जैसे हमारे यहां कहा जाता है काने नु काना ना कहो उसे सूरदास कह दो, भले ही हम हड्डियां चुनने जा रहे हैं चाचा जी की, लेकिन हड्डियां नहीं कहना फूल कहनी है, हमारे यहां बुरा मनाया जाता है, चल नहीं हड चोना ये फिर पिटे मुंह ना,
चाचा जी के फूल चुनाइए। या एक दिन मैंने कह दिया भाई दाल लेनी थी, बचपन की बातें नहीं भूलती, मैंने कहा फटाफट बढ़िया जो दुकानें बंद हो रही हैं, तो मैं नजदीक आके क्या दुकान बंद ना करी मुझे दाल दे दी, फिटे मुंह तेरा मुझे अब भी याद है। और दुकान बंद नहीं कहती, मैं दुकान बधा रहा। मैं तो रो पड़ा जब उसमें लानत मारी, बच्चा था मैं लेनी, मैं तेरी दाल लेंदा, तूने मुझे जाना क्यों, मैं अपनी मां बुला के लेना। वो तो बेचारा डर ही गया, तूने मुझे क्यों जा रहा है, मैंने दुकान नहीं बंद करता। फिर तू फिर बोली आ रहा है दुकान बंद नहीं कहता बता रहे, लोग बंद सुनना ही नहीं चाहते, मैं बता रहा ये दुकान मेरी तरक्की कर लीजिए, इस वर्ड को भी नहीं सुनना चाहते कि दुकान बंद हो, बंद है मतलब मेरा कुंडा हो गया, हूं मेरी चलनी कोई नहीं, अपनी अपनी फीलिंग है। तो शब्द की वाणी क्या हो मधुर, तो तीन गुण जिसमें हो, हमारा वैदिक अद्वितीय अनुपम धर्म पुकार के कहता है ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड मित्र, उसको हम मित्र कहेंगे। आजकल के मित्र से तो मेरे परमात्मा बचा है, या तुम में पांच छह साल से हमारे दोस्त हैं, तू मेरे साथ बैठ के शराब नहीं पी सकता, लख लानत ऐसे मित्र को, और बुरी बुरी लानत उसको जो उसके स्टैंडर्ड पे उतर आता है, चाचा चाचा तू नाराज ना हो और मैं पी लेता हूं। आजकल जो बड़े मेरे बुरे बच्चे बन गए हैं इसी उन्हीं के स्तर पर उतर आते हैं। यह है क्या आजकल वो पुरानी बातें, दादा हमारे बेवकूफ थे जो अंडे नहीं खाते थे, ये तो सेहत बनती है, इसमें कई विटामिन है। अच्छा अच्छा मेरी मां तो नहीं खाती हूं, तो मैं ब्राह्मण, पर तुझे नाराज नहीं करना चाहते, मैं अंडे खा लेता हूं। इतने गंदे बन चुके हैं मेरे बच्चे, मेरी बेटियां इस स्टैंडर्ड पर उतर के, उसका मुंह रखने के लिए अपना धर्म गया, धर्म भी गया, शर्म भी गया, कर्म भी गया, सिर्फ उन नलायकों का मुंह रखने के लिए मेरा दोस्त तो नाराज ना हो, और बेवकूफ तू तो नाराज ना होगा, मेरा धर्म मेरे से नाराज हो गया, मेरा कर्म मेरे से नाराज हो गया, मेरी शर्म मेरे से नाराज हो गई। धर्म कर्म और शर्म, उसी को हम भद्र पुरुष बोलते हैं, जेंटलमैन। जेंटलमैन कौन, जिसके पास धर्म भी है, कर्म भी है और शर्म भी है। ये हम कहते हैं बड़ा भद्र पुरुष है, वेरी वेरी जेंटलमैन, कि वो तीनों के हर कीमत करेगा। और आज आप देखते हैं यार, तू मेरे साथ सिनेमा नहीं जा सकता, पहाड़ में जाए तेरी दोस्ती, मैं ये गंदे कर्म नहीं का, अगर तू नेक बनेगा और मुझे नेक बनाएगा तब तू मेरा दोस्त, आप नहीं जो होना चाहिए, आग लगे ऐसी दोस्ती को। आप तो डूबे बाम ना यजमान भी ना ले, तू तो डूब रहा मैं भी तेरे साथ डूबू, कभी नहीं, ये दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी है। इसको मेरे गुरुदेव कहते वो करेक्टर वाला इंसान है जो क्या अभद्र बातों में इनकार कर सकता है, नहीं मैं कभी भी तेरे स्तर पर नहीं उतर सकता, आज के बाद तेरी मेरी राम राम, ऐसी गंदी बातें मेरी में, गंदी आदतें मेरी में डालता है। मित्र वही हां जिसकी भावना सबसे पहले मधुर है, न कि वो गंदी भावना रख करके हम लोगों को तबाह करे, बर्बाद करे। ऐसी फ्रेंड ही बनानी, ऐसी फ्रेंड को दूर से ही नमस्कार कर दो, ना ना तेरी मेरी फ्रेंडशिप एंड है। फिलोसफर कहता है शायद प्लाटो के शब्द है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर रहा, फ्रेंड में पहला शब्द क्या है एफ फिनिश, कि अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो गंदी आदतों में आपको डालना चाहता है तो कहिए एफ फिनिश। आखिर में फ्रेंड के डी है डिस्ट्रॉय, क्या तेरी मेरी दोस्ती डिस्ट्रॉय, आज के बाद तबाह हो गई, खत्म हो गई, तू मुझे तबाह करना चाहता है, फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय। पहले एफ का मतलब है फिनिश या फ्रेंडशिप, डी आखिर मतलब डिस्ट्रॉय, सेज प्लाटो अफलातून, कि अपनी दोस्ती को जो तुम्हें तबाह करना चाहता है ऐसी दोस्ती को तबाह कर दो, ऐसी दोस्ती को दूर से नमस्कार कर दो, नो, क्योंकि दोस्त वो जिसकी भावना मधुर है, मित्र वो जिसके व्यवहार मधुर है, हाय मित्र वो जिसकी वाणी मधुर है, वो लेकिन सबसे पहले उसकी फीलिंग जो हो वो होनी चाहिए मधुर। बादशाही तो कितने आगे निकल के बोलती है, अब भगवान करे हम इंसाफ करेंगे अनुभवियों की वाणी के साथ, घर बैठे यहां रब मिली, अगे बोलो आप, नियत हो भी रास, रास मैंने पवित्र, रास मैंने साउंड, रास मैंने हल्दी, जिसकी नियत हेल्दी है या साउंड है घर बैठे ही परमात्मा खुश हो जाएगा उसके ऊपर, परमात्मा ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जिनकी, जो कष्ट सह लेंगे लेकिन अपनी भावना को अपवित्र नहीं होने देंगे, जो दूसरे के स्तर पर उतरेंगे नहीं अपना स्तर बनाई रखेगी। ये आपको मैं खास प्रार्थना करूंगा प्रसंग अनुसार, आपने अपने स्तर को बनाई रखना है, कि मुझे लख लानत कि मैं अपने स्तर या अपने स्टैंडर्ड से उतराऊं, मेरी हिम्मत है कि उसको मैं अपने स्तर पे ले आऊं, ना कि मैं उसके स्तर पे चला जाऊं। शेर अगर कोई आपकी फ्रेंड है तो अपने स्तर पर ले आओ,
अगर अपने स्तर पे वो नहीं आती तो ठीक है, पर उसके स्तर पे आप भी ना उतरो। है शाबाश, गोसाई जी ने इसको जवाब दिया बड़ा सुंदर। क्या कहती है, अगर कोई गंदा संस्कार भगवान के भगत का रह गया हो और उसे किसी गंदी संगत में रहना पड़े, संसारियों की संगत में दो घंटे या रात काटनी पड़े या कुछ समय गुजारना पड़े, तो वो कैसे काटेगा? हाय हाय हाय, बहुत सुंदर। मैं तो पहली बार ये दृष्टांत पढ़ा है। मैंने किसी शास्त्र में, मैं हिंदू धर्म के बहुत से शास्त्रों के अंदर गोता मारा है, ऐसा दृष्टांत नहीं आया। वर्ल्ड के धर्मों को भी देखने की चेष्टा की है, ऐसा खसब का दृष्टांत कहीं भी नहीं। क्या कहा, जो भगवान के प्यारे जैसे आप जैसे हैं, आप जैसी मेरी बीवियां, हां अचानक कभी नास्तिकों के पास रहना पड़ जाए, जो बाहर मुखी हैं उनके साथ तुझे रहना पड़ जाए, हां तो कैसे रहेगी? विशाल जी कहते हैं, मैं बताता हूं, कोबरा अर्थात छजली वाला सांप। बेटे छजली वाला सांप, हां छजली वाले सांप के अंदर मनी होती है, जबड़े के एक साइड को आखिर में जबड़ा, हां इसके आखिर में एक थैली बनी होती है, वाह मेरे रब्बा वाह, उसमें मनी होती है। जैसे आपके बटुए में छोटी सी पॉकेट हो आपके पर्स में, और उसमें आपने अपने कीमती गहने रखे हुए हो, थोड़ी सी पॉकेट, थोड़ी सी जंजीर भी लगी होती है, बेबी जंजीर, तो अपने उसमें आपने अपने गहने रख करके बड़ी कीमती है, उसमें नग जड़ा हुआ है कोई और बड़ा कीमती, तो वो उसमें आपने रख दिया। इसी तरह छोटी सी थैली होती है चमड़े की, उसके अंदर वो अपना मनी रखता है। हाँ तो क्या गुसाई जी कहते हैं, विधिवश सजना कुसंगति पराई, फनी मनी समनिज गुण अनुसराई। क्लियर करता हूं, अगर सज्जन पुरुष को भगवान के प्यारे को बुरी संगत में रहना भी पड़ जाए, तो जैसे फंजर सांप के अंदर मनी रहती है, क्या साथ ही मनी ये जबड़ा और साथ ही जहर, जबड़े के नीचे जहर है, रपा रपा। निष्ठान देखिए जरा, उसके फैंग, अंग्रेजी बोलते फैंग, ये फैंग के नीचे, ये जबड़े के नीचे जहर है और साथ ही मनी है। मनी कहती है, लानत मुझे, मैं अपना प्रकाश डालूंगी तेरी, जहर नहीं लूंगी। तो अपना प्रकाश फैला देती है लेकिन जबड़े की जहर नहीं लेती। इस तरह रब का प्यारा अगर गुरों की संगत में रहेगा तो अपने गुणों को फैलाएगा, उनके अवगुणों को नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। सुखतारी 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 सुखतारी, परमात्मा करे अनुभवी उच्च कोटि संत शिरोमणि गुसाई जी का यह फरमान हम सब पे लागू हो जाए। क्या गजब का, कहां से ढूंढा ये दृष्टांत? राम ने आके बताया होगा गुसाई जी को कि तू ये लिख अपनी रामायण में। शाबाश, विधि बासी, विधि में कोई पुराने संस्कार रह गए हो, विधि बस सज्जन, सज्जन पुरुष को संगति पर ही अगर बुरी संगत में कभी पड़ जाए, फनी मनी सम निज गुण अनुसरी, फनियर साम के मनी की तरह अपने गुणों को फैलाएगा, जहर को नहीं लेगा, अर्थात उनकी बैड फीलिंग को नहीं लेगा, अपनी गुड फीलिंग को फैला देगा। गुड, इतनी ताकत जिसमें है उसे बोलती है ही इज ए मैन ऑफ करेक्टर, ही इज ए लेडी ऑफ करेक्टर। ये नहीं, हमारे बहुत गंदे अर्थ लिए जाते हैं करेक्टर, वह जिसने एक अंग को ढीला छोड़ दिया, हां उसे कहते हैं ये बड़ा चित्र भ्रष्ट है, ये बैड करेक्टर नहीं। जो बुराइयों के सामने टिक नहीं सकता वो करेक्टरलेस है। हाँ ये बड़े अच्छे अर्थ निकाले गए, जो बुराइयों के सामने टिक नहीं सकती, टिक जाओ जान जाती जाए, ये काम मैं नहीं करूंगी, शक्ति मेरी सगी बहन है, चाहे तो मेरी कितनी फ्रेंड है, मेरी क्लास वैल्यू है, लेकिन आई वॉन्ट टू, इसको बोलती है लेडी ऑफ करेक्टर। वो एक बुराई के आगे जिसके एक अंग ढीला, हम कहते ये लूज करेक्टर है, नो जो बुराइयों के आगे झुकता नहीं। तुम मुझे झूठी गवाही दिलवाना चाहता है, कभी भी नहीं दिलवाऊंगा तेरी मेरी दोस्ती को, राम राम, ही इज अ मैन ऑफ करेक्टर। हाय हाय, सुनमृत देवी अपनी आंखें खोल, तू मुझे उस चार के पास ऐसी बकवास करवाना चाहती है, कभी नहीं करूंगी, खबरदार। मैंने समझा कि तेरे बच्चे का बर्थडे है, हां और ये अंडे खिलवाना चाहती है, कभी नहीं खाऊंगे, तेरे घर में पैर भी रख कर तो मेरा नक कट लेगी। ही इज ए लेडी ऑफ करेक्टर। ये जो बुराइयों के आगे हां ना करे बल्कि डट के खड़ी हो जाए, रिसिस्ट द इवल, इवल को हम रिसिस्ट करें। ये जो आजकल दोस्त है
बिल्कुल दोस्त नहीं, ये हमारे दुश्मन है। जो हम कहे अच्छा यार तेरी में दोस्ती टूटती है तो मेरा धर्म टूटता है, मेरे भगवान नाराज होती हैं, मेरा करैक्टर तबाह होता है अगर मैं तेरी बात मानूं तो। ये जितनी गंदी आदतें बन गई हैं इस फ्रेंडशिप का, इन बेवकूफों ने अर्थ ही गलत ले लिया। शराब की आदत कहां से पड़ी? ऐसे गंदे यारों दोस्तों के साथ। ये एक सिगरेट की आदत, शराब की आदत, अंडों की आदत, मीट की आदत, यार है क्या? ये दादे दूधे का दादागिरी है, ये बकवास करते हैं दादागिरी। कहां दादा और कहां तुम गिरे हुए नरक के कीड़े, और कहां दादाजी स्वर्ग के देवता। और ये कहते हैं दादागिरी है ये, कि वो नहीं खाते थे यार, अच्छी सेहतें बनती है, आप खाइए अले बुर्की में तेरे मुंह में डालू, लख लान मारता थप्पड़ उसके मुंह के ऊपर, और आज के बाद तेरी में दोस्ती खत्म, तू मुझे धर्म से गिराता है, ये नहीं हो सकता। शाबाश, भगवान आपको ताकत दे, ऐसे दोस्तों को से हमेशा के लिए दूर रहिए। ऐसी फ्रेंड नहीं बनानी जो हमें गिरा दे, बल्कि हम उसको उठाएं। मजा इसी में आता है कि हम बुराइयों के आगे रह चुके, बल्कि हम अपने गुण को आगे रखें। मणि जहर नहीं लेती, मणि अपना प्रकाश फैला देती, ज्योति फैलाती है। इस तरह पता नहीं कल कैसे संस्कार आपके आ जाए। कोई ऐसा आ जाता है गंदी मंदी करने वाला, नहीं मैं नहीं करना, कभी नहीं करना, चाहे मेरी जान दी जाए। अब तो मैंने अपनी आयु को बचा लेना है और गुणों को भरना है, मैंने ये नहीं करना, झूठी बातें करवाना और बड़ी बड़ी गंदा बंदा खिलाना, सिनेमा में ले जाना, कभी नहीं। अब मैं अपने अंदर ही सिनेमा देखूंगा, उसका जिसने सृष्टि बनाई है मैं उसका सिनेमा देखना चाहता हूं। यार ये मिशन में मैं नहीं, झूठी बातें बनाती बातें, और एक फिदा हो जाती है, एक फिदा हो जाता है, एक पिटती हैं, रोती हैं, अखीर में जहर खा लेती हैं, ये शादी नहीं, मैं नहीं देखना चाहता ये। इज ऑल सपोज्ड वर्थलेस टॉक। ऐसी आपका मन करैक्टर वाला बन जाए कि नहीं मैंने अपना प्रलोक बनाना है, ताकि उसको भी शिक्षा मिले कि ओ इज ए मैन ऑफ करैक्टर, लेडीज जो है इज ए करैक्टर लेडी, इसको करैक्टर बोलते हैं मेरी बेटी। अच्छा शाबाश, चल तुझे सिनेमा, चल तुझे शिमला ले चलो घुमा के लाओ, क्या प्रेशर लेकर इसे गर्मी से बच जाएगी, क्या शिमला में जाके भी मन में चिंताएं हैं, बेचैनी है, बेफिक्र बैठे हुए हैं इतनी ठंडी हवाओं में, मेरी लड़की क्या हो रहा होगा, कारोबार का क्या बनेगा, अंदर तप रहा है, उससे अंबाला अच्छा, मन हमारा ठंडा है, भली हम लू ले रहे हैं शरीर से, मन तो हमारा ठंडा है ना, अंतकंठ तो हमारा बिल्कुल ठंडा है ना, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, दिस इज फार फार बेटर इफ योर माइंड इज इन पीस। हमें शिमले क्या जरूरत है, जिनके मन में शांति है, जिनके मन में आराम और चौर, भगवान नाराज होंगे कि मैं तुझे वो शांति दी है जो लाखों रुपए से नहीं ली जा सकती, फिर भी हमें शिमला प्यारा है ना, हमें तो अपना मन शिमला है, अगर वो पीस में आए, आराम में है, चैन में है, वी डोंट वांट एनी हिल स्टेशन या हिल सिटी, जिसका मन शांत है, ही इज अ मैन ऑफ करैक्टर। जो दोस्त को कह सकते मुझे सिनेमा जाने की जरूरत है, परमात्मा करे जिस सिनेमा में, जिस शिमला में मैं बैठा हूं तू भी आ जा, मन अगर शांत है तो दोस्त कौन जो हमें भलाइयों में ले जाए, बुराइयों में ना ले जाए, जो हमारे में गुड नेचर बनाए। सुनो मेरी देवियों, उसको मित्र कहती है। फिर मेरा जी चाहता है मैं एक बार फिर कहूं, जिसकी मधुर भावना है, मधुर व्यवहार है, मधुर वाणी है, अब एक बात उसने कहनी है आपसे, हां इसी को अगर वो मिधर मधुर वाणी से कह दे, अगर तो मुझे अपना दोस्त बनाए रखना है, हां आज के बाद मैं आपको हाथ जोड़ के कहूंगा आप अंडे खाने की आदत छोड़ दो, अगर मुझे अपना दोस्त बनाए रखना, हाथ जोड़ के, तेरे पर प्रभाव पड़ता है मेरी प्रार्थना का तो ठीक, मैं आपकी संगत नहीं कर सकता। ये दूसरे अर्थ में कोई गाली देकर कहना जाजा आग लगे तेरी दोस्ती को, ये जरा ढंग से कह दीजिए, मधुरवाणी से कह दो, कहने मेरे अब ख्यालात वो नहीं रहे जो पहले थे, इसलिए ये आदत मैं नहीं दे सकता, मैं तेरे इस काम में शरीक नहीं हो सकता। शाबाश, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, ये हो उसको कहते हैं मित्र। परमात्मा क्या करेंगे, वो सबका मित्र है, सबको एक तो शुभ भावनाएं देता है ठीक, और सबको नेकियां देता है, सबकी नेचर अच्छी बनाता है। अच्छा मेरे मित्र से मैंने अर्थ बताया नहीं, दूसरा अर्थ भी एक मित्र का है, सूरज को मित्र कहते हैं,
संस्कृत में दो अर्थ आती हैं। क्या दूसरा अर्थ लिखा हुआ है आपकी डिक्शनरी में? सूरज, सचमुच सूरज सबका मित्र है। कोई नहीं देखता ये भला पुरुष है या बुरा पुरुष है, पर अपनी सेवा किए जा रहा, अपना प्रकाश और तेज सबको फैला जा रहा, अपनी गर्माइश और अपनी रोशनी सबको दिए जा रहा, उसके सामने कोई पक्षपात है ही नहीं, इंटायरली इम्पार्शियल। हां, सूर्य बिल्कुल इम्पार्शियल है, पक्षपात रहित या निष्पक्ष है। और एक बात और आपको शानदार सुना दूं भगवान की चौथे अध्याय की, क्या? सबसे पहले मैंने कर्म योग का उपदेश सूर्य को दिया। सूर्य देवता सबसे पहला कर्म योगी है, सूर्य देवता सबसे पहला कर्म योगी इस जहान में। अच्छा, और अब तक सेवा कर रहा है निष्काम भावना से, हमसे कुछ चाहते तो नहीं, अगर हम प्रणाम करेंगे तो वो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा उपकार है, वो हमारा शिष्टाचार है, दीज आर इंडियन मैनर्स एंड एटिकेट, कि वो इतना उपकार कर रहा है तो मैं सिर झुका दूं और दोनों हाथ जोड़ के सूर्य प्रणाम कर दूं, कितना भारी उसका उपकार है हमारे ऊपर। तो मित्र का मतलब सूर्य। तो क्या भगवान कह रहे हैं वो सोसाइटी का सूर्य की तरह उपकार करता है, लेकिन उनसे किसी प्रकार की जैसे सूरज उम्मीद नहीं रखता हमारे से, इस तरह ऐसा भगवान का प्यारा समाज का, गली का, अपने परिवार का अपना मित्र है, अर्थात वो भलाइयां फैलाई जा रहा है, गुड आदत जो है वो सबको दिए जा रहा है, बुराइयों से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो नेकी कर रहा है और नेकियां फैला रहा है। सुनो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बुराइयों से निकल रहा है, निकाल रहा है, भलाई ले रहा है और भलाइयां कर रहा है। अच्छा, वो अवगुण निकाल रहा है, गुणों को बांट रहा है, गुणों का प्रसाद बांटता है, उसको हम मित्र कहेंगे। जो समाज में गुणों का प्रसाद बांट रहा हो, गुण फैलाई जा रहा हो, उसको बोलती है मेरे कृष्ण, अपने भक्त कहने की पहले मित्र है वो। वो सबको गुण ही गुण दिए जा रहा है, अवगुण निकालता है, वो अवगुण निकालता है। एक और महापुरुष ने कहा, भगवान ने मित्र क्यों कहा, या और आप तो खोज नहीं करते ना, बड़ी भारी खोज गीता जी की हुई है, और इन गुणों की तो मैं क्या बोलूं। भगवान ने यह मित्र क्यों कहा, सखा क्यों नहीं कहा, सुहृद क्यों नहीं कहा? सुहृद भी शब्द है, हाथ पेट में री दे के दाह हलम स्वामी छोटी उनकी मात्रा, सुहृद कह देते, सखा कह देते, मित्र क्यों कहा है? हाय, सुनो मेरे सजनों, टाइम आपका खत्म हो गया, मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी बातों के लिए घंटों चाहिए। जो ईश्वर इच्छा, मित्र का तीसरा अर्थ होता है क्या? कांटा, कांटा गिल्ला गिल्ला कांटा, कैसे ना, कांटा मैंने गलत कह दिया, क्या गिल्ले गिल्ला सुई कह लो, तो क्या वो क्या है? वो मैंने अभी भी कहा, बुराइयां सब की निकाल करके गुण भरना चाहता है। अच्छा, तो कांटा क्या होता है? जो चुभा हुआ हो, अच्छा बेटे, जो चुभा हुआ हो, बेटे ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, वैसे तो झाड़ी पर लगे हुए हैं, हां इनको हम और सेंस में बोलेंगे, हमारी अपनी भाषा, शानदार, हमारी अपनी भाषा में कांटा या अंग्रेजी में थार बोलते हैं, वो जो अंदर चुभ जाए, बेटे जो अंदर चुभ जाए, एकाग्र रहना, जो आपकी चुभ जाए वो कांटा, तो कैसे निकलेगा कांटे से? आयो देखो कहां महापुरुष चले गए, हमारे अनुभवी महापुरुष कहां चले गए, कहां चले गए, हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो कहावत मशहूर है हमारे यहां, हमेशा कांटा कांटे को निकालता है, कांटा कांटे को, सुई भी तो कांटा ही है ना, चाहे धातु का बना हुआ है या उसी झाड़ी का हम कांटा ले ले, तो क्या करेगा? जो कांटा अंदर चुभ की सूर पैदा कर रहा है, पीड़ा पैदा कर रहा है, हां कुरेद कुरेद के हम अंदर उसको निकाल लेते हैं, गुड, कुरेद के निकालने के बाद कभी रास्ते में आप हैं, हां तो कांटा आपने अंदर दिया, तो अपनी लब या अपनी थुक उसके ऊपर लगा के रगड़ लो, ताकि वो बात वहीं खत्म हो जाए, आगे सुगा ना जाए, गड़बड़ ना मच जाए, जो कांटे ने अपनी विष दी है उसके अंदर। खैर, तो कांटा कांटे से आपने सुई ले ली, मैंने कहा कुरेद कुरेद के आपने निकाल दिया, हां तो मित्र वो होता है जो हमारी बुराइयों को कुरेद कुरेद के निकाल डाले, न कि बुराइयां भरे, उसको मित्र कहेंगे कि हम सांप कहेंगे,
वो नाग है, वो सांप है। मेरे मुंह से नाग निकल गया, मैं वापस लेता हूं। नाग और सांप में क्या फर्क है? मैं नाग को शब्द वापस ले रहा हूं, सांप कहना चाहिए जो हमें बुराइयों की जहर दे रहा है। सांप धरती पे रहती है, नाग जल में रहती है। नाग जलचर प्राणी है और सांप थलचर प्राणी। आपकी बुद्धि के लिए जानकारी करवा दी। नाग होती है जो भगवान ने नथ लिया था, वो नाग जो जल में रहे जलचर, वो नाग जो धरती पे रहे उन्हें क्या बोल थलचर हो, सांप। इसी दी डिफरेंस बिटवीन सांप एंड नाग। तो वो अगर वो हमें बुराइयां दे जाते हैं, आजकल के जमाने मेरी बेटियां गंदी होती जा रही हैं, मेरी बेटियां बहुत खराब होती जा रही हैं, गंदी गंदी उनकी फ्रेंड है, गंदी गंदी उनके बस हर रूप में गंदी होती जा रही है। क्यों आगे खड़ी नहीं होती, ये मुझसे क्या करवाने जा रही है? यही मैं कहना चाहती ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या हाल है तुझे, ऐसे भी क्या फ्रेंड अपने शेक हैंड कर लो। शेक हैंड से बात शुरू होती है। सबसे पहले इंसान की गिरावट नर नारी की शेक हैंड से होती है, फिर शेक हैंड करते करते फिर शेक वाल भी होती जाती है, फिर चलते चलो आगे। और जो नो, ये हमारे हिंदुस्तान के मैनर नहीं है। मैं इंग्लिश लेडी नहीं हूं, मैं इंडियन लेडी हूं। गुड, ही इज लेडी ऑफ करेक्टर। गलत, आपने बड़े रहने, समाज में बिल्कुल तबाही आ चुकी है, बिल्कुल तबाही। कहते मेरी दोस्ती नहीं, दोस्ती है ये तो जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है? जहर दिए जा रहा है। और फ्रेंड कौन होता है?